बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और इनकी अहलिया फिल्मसाज किरण राव ने अपनी शादी खत्म करने का ऐलान कर दिया। बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से पुकारे जाने वाले अदाकार आमिर खान और इनकी दूसरी अहलिया से मुतल्लिक भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि दोनों ने एक दूसरे से अलहदगी का ऐलान करते हुए एक मुश्तरका बयान जारी किया है। आमिर खान और किरण राव की भारतीय मीडिया में सामने आने वाली मुश्तरका बयान में कहा गया है कि शादी के इन 15 सालों में हमने एक साथ जिंदगी के कई मुख्तलिफ तजर्बात किए और ढेरों खुशगवार लम्हात साथ गुजारा। हमारा रिश्ता महज भरोसे, इज्जत और मोहब्बत की बुनियाद पर परवान चढ़ा। बयान में कहा गया है कि अब हम मियां बीवी न होने की हैसियत से अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन बेटे आजाद राव खान के वालदेन के तौर पे हम फैमिली हैं। हम काफी अर्से पहले से इस अलहदगी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब ये हो चुकी है। पैगाम के आखिर में दर्ज था कि ये तलाक जिंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि हमारे नए सफर का आगाज है। आमिर खान ने फिल्मसाज किरण राव से दूसरी शादी 28 दिसंबर 2005 में की थी। दोनों की मुलाकात मारूफ फिल्म लगान के शूट पे हुई थी, जहां किरण बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर फराइज सर अंजाम दे रही थीं, जबकि आमिर खान फिल्म में मरकजी किरदार निभा रहे थे। बॉलीवुड अदाकार की पहली अहलिया रीना दत्ता थीं, जिनसे इनके दो बच्चे जुनेद खान और इरा खान हैं। आमिर खान की रीना दत्ता से तलाक शादी के 16 साल बाद साल 2000 में हुई।